youngsters have their own universe. Unke crushes, gossip, secrets, fears, ये सब उनके इस world का हिस्सा होते हैं. इस age में usually बच्चे अपनी बातें parents से share करने की बजाय अपने friends से share करते हैं, उन्हें confidant बना लेते हैं. But कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस age में भी अपने parents को ही अपने best friends मानते हैं. मैं हूँ कृतिका कामरा, your host for this season of MTV Wept. और हमारी आज की स्टोरी एक ऐसी टीनेज लड़की की है जिसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसकी मॉम. मम्मा, इस स्टुपिड सीरियल देख के रोना आपका कब छूटेगा? खाना खाएगी या फ्रिज में रख दूँ? पेट भर गया. इवन बॉदर कुकिंग योर मम्मा. हाँ, आपका वेट बढ़ गया क्या? बहुत मोटी लग रही है. सीरियसली? आया यू यूज दिस गर्ल. आया हो? उठो उठो. 5 मिनट मम्मा. क्या 5 मिनट? इट्स ऑलरेडी 8 o'clock. गेट अप. मम्मा, मेरा प्रैक्टिकल है आज, आपकी वजह से मैं लेट हो गई. तेरी वजह से तू लेट हो गई? हाँ. अलार्म क्लॉक तेरे पास था, फिर से बंद करके सो गई होगी. गेट अप, गेट अप. हेलो हेलो रितु, बस 5 मिनट मेरे लिए वेट करना, मैं आ रही हूँ. बस 5 मिनट प्लीज प्लीज बाय. हेलो मम्मा, मैं भी लेट हो रही हूँ. ऑटो ऑटो. हेलो ओ माय गॉड, रमन हाय, तुम यहाँ बॉम्बे में क्या कर रहे हो? अरे मेरा वो बॉम्बे में ट्रांसफर हो गया है, ऑफिस यहीं पर है इसलिए. That's great news. You know what, Raman? तुमसे बात करने का तो बहुत मन है लेकिन ऑफिस के लिए देर हो रही है. I'll take your number, फिर कभी मिलेंगे. अरे तो कम ना, I'll drop you. No, go ahead, मैं ऑटो ले लूंगी, तुम्हें भी देर हो जाएगी. नहीं, मुझे देर नहीं होगी, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जिस तरफ तुम जा रही हो. कम. What do you mean by उसी तरफ? तुम्हें कैसे पता मैं किस तरफ जा रही हूँ? I'll go that way. कम. ठीक है, थैंक यू. हाउ हैव यू बीन? I've been good. How have you been? Very good. वो कौन था जो तुझे ड्रॉप करने आया था आज? ओह यार, आई फॉरगॉट टू टेल यू, रामन था. कॉलेज में साथ नहीं पढ़ा करते थे, अचानक आज बस स्टॉप पे मिल गए. सो नाइस टू मीट हिम आफ्टर सो लॉन्ग. ये वही रमन है ना जिसने कॉलेज के दिन तुझे प्रपोज किया था? एग्जैक्टली वही रमन. कैन यू बिलीव दैट? इतने सालों में जरा भी नहीं बदला. अनबिलीवेबल, ही इज जस्ट द सेम. अच्छा, तूने तो कहा था वो अब्रॉड सेटल हो गया. यहाँ क्या घूमने फिरने आया है क्या? हाँ, सेटल हो गया था लंदन, उसके बाद दिल्ली आ गया, ज्वाइन अ मल्टीनेशनल कंपनी. उसी कंपनी ने उसको यहाँ बॉम्बे में भेजा है. शादी हो गई? हाँ हो गई थी, 4 साल पहले डिवोर्स हो गया. That means he's single. That's great. That means he's available. कैसा दिखने में? अच्छा है, स्मार्ट है. I really know where you're getting at. Relax. स्मार्ट है, सिंगल है, बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. He's just a friend. बहुत अच्छा दोस्त है मेरा. तू अच्छी तरह जानती है यार, 15 साल की बेटी है मेरी. 15 साल की? एग्जैक्टली 9 साल की तो नहीं, वो समझ जाएगी. What she'll understand? वो अच्छी तरह जानती है यार. आकाश के जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं. तो फिर अब सोच ना, तू और अमन कॉलेज से दोस्त हो यार. You guys know each other in and out. एक बार सोचने में क्या प्रॉब्लम है मेरी माँ? ठीक है ठीक है, पक्का सोचूंगी. अब जाओ काम कर, पैसे उसी के मिलते हैं. तेरे पापा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, रमन अंकल.
रमन अंकल, मिली हूँ मैं? वो बहुत छोटी थी उस वक्त, कुछ दिनों पहले ही बॉम्बे ट्रांसफर हुआ है। जीत गई। क्या जीत गई? अच्छा लाइट बंद कर दे तू। छाया, यस मम्मा। बच्चा बताना क्या पहनूं? आई कैन मेक अप माय माइंड। क्या बात है, ऐसे तो आप कभी ध्यान नहीं देती कपड़ों पर, आज कौन सा स्पेशल ओकेजन है? नथिंग स्पेशल, जस्ट फेल्ट लाइक ड्रेसिंग अप। वेल, अगर सेक्सी दिखना है तो ये सेक्सी। हाँ चल जा, भूल जा। बाय बाय। बताइए मैडम कहाँ चलें? बोलो तुम्हारा क्या मन है? किसी अच्छी सी जगह पे चलते हैं, समथिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पास में बहुत बढ़िया कॉफी शॉप है। आई गेट यू अ ग्रेट कप ऑफ कॉफी। कॉफी नहीं पीनी मुझे, मुझे समथिंग इंटरेस्टिंग लाइक लेट्स डू सम बियर्स। व्हाट? या बियर्स? या पागल हो गए हो क्या? नो वेज। Why no ways? अरे रमन, last मैंने कॉलेज के बाद बियर कब पी थी मुझे याद तक नहीं। No ways. अच्छा है ना, let's relive the old times. Exactly, old times. भूल जाओ उसे, बिल्कुल नहीं। देखो, please, only 2 beers. What is wrong with you? सच बात तो ये है कि आकाश की डेथ को मैं कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई, ना मैं, ना छाया। जब भी छाया अपने पापा के बारे में बात करती, I didn't know what to do. I would always try and find reasons. कोई ना कोई बहाना बना के उस बात को टाल देती। But at one point I realized, जिंदगी भर के लिए इस बात को नहीं टाल सकती। आज नहीं तो कल I would have to come to terms with it. कि अब आकाश अब कभी वापस नहीं आएंगे। And Chaya would have to accept it ki her father's no more. Aaj ke baad sirf hum dono hain ek dusre ke liye. I just had to. He was I'm a great sorry. guy. I'm boring you guys. Really sorry. No, you're not boring me. And Akash was a great guy. I miss him too. That he was. You know what? Thank you. Thank you so much. I forgot that last I did something like this. You know what? People say the truth. कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ अपने बच्चों के साथ शेयर ही नहीं कर सकती। उसके लिए दोस्तों का होना जरूरी है। That's why thank you for being that friend. Well, cheers to that. And cheers to you being a super mom. You're a great mom. और जो तुमने किया है बहुत अच्छा किया। अच्छा ना हो, no more depressing talk. कुछ लाइट सी बात करते हैं इस मौसम की तरफ। Interesting. Really late. चलो मुझे घर छोड़ो, छाया वेट कर रही होगी। अरे बट चलो ठीक है, वैसे भी I don't like to hit on drunk women. Seriously? Yes. You're trying to tell me that? No. तुम्हारे साथ कॉलेज गई थी, रग रग से वाकिफ हूँ।
सो जा। I missed you. I missed you too. इतना लेट कहाँ थे? ऑफिस में देर हो गई आज. मामा, are you drunk? No. Happy for you, Mala. मैंने कहा था ना, Raman still loves you. आखिर उसने तुझे propose कर ही दिया. Yeah. He did propose. But I'm really scared, Shruti. Shruti, सब कुछ अचानक से एकदम perfect लगने लगा है. I'm really guilty. आकाश के जाने के बाद मैं किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? Don't be silly, Mala. जब तक तुम आकाश के साथ ही, you only loved him. तुम दोनों की एक परफेक्ट रिलेशनशिप थी. एग्जैक्टली, हम दोनों की परफेक्ट रिलेशनशिप थी. और एक परफेक्ट रिलेशनशिप के बाद आज मैं किसी और के बारे में सोच रही हूँ. Why? तुम दोनों की एक परफेक्ट रिलेशनशिप थी जब तक वो था. लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन. तुम्हें छायो को भी एक चांस देना चाहिए यार. एंड आई गेस इट्स हाई टाइम. That's what I'm really scared, Shruti. Chhaya kis tarah se react karegi? I really don't know. I don't know, Shruti. I don't know. There's only one way to find out, Mala. Akash ki death ke baad, Mala felt very incomplete. Naturally, वो बातें, वो कंफर्ट लेवल, कोई और दोस्त, रिलेटिव या उनकी बेटी भी पूरा नहीं कर सकती थी. She was hesitant about thinking of a second marriage क्योंकि उन्हें लगा कि शायद छाया एक नए पेरेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी. So only for छाया's sake, वो अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताने को तैयार थी. पर रमन से बढ़ती इस क्लोजनेस ने कहीं ना कहीं उन्हें अपनी अधूरी जिंदगी का एहसास दिलाया. She enjoyed his company, even though she didn't know what future that relationship had. Popcorn. तुम्हारा फेवरेट. How was school? अच्छा था. शायद तुम्हें याद है, मैंने कहा था कुछ दिनों पहले मैं अपने एक कॉलेज फ्रेंड से मिली थी. रमन अंकल परमानेंटली बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं. इनफैक्ट उनकी शिफ्टिंग में मैंने ही उनकी मदद की थी. इसी बीच वी एंडेड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. कॉफी पीने गए. He's become a really good friend. और मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार उनसे मिलो. Mom, seriously? Look, छाया कोई compulsion नहीं है. But I would like it अगर तुम एक बार उनसे मिल लो. Yeah, I'd really like you to meet him. Mom,
ऑफ कोर्स मैं मिलना चाहती हूँ आपके गुड फ्रेंड से. I mean, this is so cool. Oh, so good. Okay, thank you. You're not five. Are you told her everything? Of course. वैसे notorious is quite a decent word to describe us. मैं और तुम्हारे डैड हम लोगों ने इतनी शैतानियां की थी कॉलेज का कोई रिकॉर्ड नहीं बचा था. यहाँ तक कि एक प्रिंसिपल को तो बेचारे को कॉलेज छोड़ के जाना पड़ा था. You remember? But your dad was the smart one. पता नहीं कब एग्जाम से पहले पढ़ाई करके टॉप कर जाता था और मैं रह जाता था. तभी उसने तुम्हारी मॉम को इतनी आसानी से पटा लिया. रमन क्या बकवास कर रही हो उसके साथ? ऐसे प्रपोज तो मैंने भी बड़े अच्छी तरह किया. What? आपने मॉम को प्रपोज किया था? रमन स्टॉप इट, 15 साल की है वो, क्या बातें कर रहे हो? अरे शी इज अ बिग गर्ल नाउ, व्हाई यू शाइंग अवे? बड़े ही फिल्मी स्टाइल से प्रपोज किया था मैंने तुम्हारी मॉम को. बट सिंस योर डैड वाज सीनियर टू मी इन कॉलेज सो ही डिजर्वड हर. वैसे योर डैड वाज क्वाइट अ सुपर गाय. कोई ऐसी लड़की नहीं थी इन ऑल द 3 डिविजन्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो उससे इम्प्रेस ना हुई. तुम्हारी मॉम की भी वैसे एडमायरर्स की लिस्ट छोटी नहीं. मॉम रियली? या शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल स्टिल. क्वाइट? क्वाइट का क्या मतलब होता है? आई एम सेइंग क्वाइट. वेरी. देखा कैसे डांट रही है. ऐसे ही कॉलेज में गुस्सा हो जाती थी सारे मजनूओं के ऊपर और पूरी मधुबाला लगती. बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे? मैडम अब मधुबाला वाला टाइम खत्म हो गया है, अब थोड़ी सी आंटी लगती. ओ हेलो, खाना आज सिर्फ छाया के लिए, तुम जाओ. मेरी मॉम एवरग्रीन है, प्लीज. राइट मॉम? एब्सोल्युटली. Chaya shared a very close relationship with her mom. जितनी उसे अपने डैड की कमी फील होती थी वो जानती थी कि उनके जाने के बाद उसकी मॉम भी उतनी ही इनकम्प्लीट थी. एंड देन शी नोटिस्ड कि रमन के साथ माला फिर से खुश रहने लगी, वो लोगों से मिलने जुलने लगी. एंड शायद इसीलिए छाया ने अपनी मॉम और रमन के रिलेशनशिप को इजीली एक्सेप्ट भी कर लिया. बट कभी कभी जिन रिलेशनशिप्स को हम इजीली एक्सेप्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स और सोसाइटी उसे हमें इजीली एक्सेप्ट करने नहीं देते. चल कान पकड़ पहले, तो कान पकड़. और अभी 5 उठक बैठक मेरे लिए, चल जल्दी अच्छी तरह नीचे तक गिन रही हूँ मैं. 3 वही इधर थी. करना जो कर रही है. तुझे देख रही हूँ मैं. कहाँ थी बोलना. कंटिन्यू. चल निकल, तुझे बाद में देखती हूँ. क्या हो गया तुझे? किधर थी? कृतिका मेरी मॉम है ना, उनका एक फ्रेंड है, यू नो, जिनके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है. गेटिंग इट राइट? क्वालिटी टाइम स्पेंड करना एंड ऑल इज लाइक डेटिंग काइंड ऑफ. Are you serious, Chaya? Like, Chaya, what's wrong with you? मुझे पता था तू ऐसे ही react करेगी. Like, मैं react नहीं कर रही हूँ. तो overreact करेगी, right? मैं overreact भी नहीं कर रही हूँ, Chaya. Like, come on, your mom dating and all, isn't that so weird? Wait, before you judge, मैं उनसे मिली हूँ. वो दोनों college के friends हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, so I'm sorry तुझे बुरा लग रहा हूँ, but as a friend मैं तुझे सही बात बोल रही हूँ, okay? And रोहन के साथ जो हुआ था, उसकी मम्मी के साथ जो हुआ था, you know it, the whole school knows it, okay, Chaya? मैं नहीं चाहती कि you and your mom should go through the same thing. Do you get it?
I get it, but मेरी मॉम के बारे में भी तो सोच नहीं, वो अकेली है. See, I understand. She needs someone, but she's happy with him. See, शुरू में ना सब happy रहते थे, okay? उसके बाद अच्छी निकलती है, okay? See, तो किसी को like नहीं कर सकती, trust नहीं कर सकती, that is the reason, right? देख सारा, एक बात बोलूँ, मैं तेरी दोस्त हूँ, okay? मैं तेरे लिए बुरा नहीं चाहूँगी था. Oh, that, come on. अरे, I'm just trying to make you understand that. I know. Chill. Chill, whatever. तेरी मर्जी है, मैं तुझे इतना समझा रहा हूँ. ठीक है, हो गया. चल. देख, वो छोड़. The Thai curry is ready, guys. Coming up in a second. बस आज के दिन खा ले, प्लीज. मामा पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. आई नो इट, बट दैट्स ऑल ही न्यू. और वो इतना एक्साइटेड था, मेरा मन नहीं किया मना करने का. ट्राई, मे बी यू लाइक इट. फाइन, गुड गर्ल. हियर्स योर थाई करी. ओह, लुक्स गुड. एंड द राइस, यस. है ना छाया, थोड़ी सी और? नहीं, बस. वुड यू हैव वाइन? या व्हाट? या Mama, I'm 15. No, Raman. Arey, she's a big girl now. Raman, please. Chaya, khana khao. Tum to logi na? Thank you. Raman. Thai curry waqai bahut achhi hai. Mama, I'm done. Have some more? No, it's okay. Thanks. I think tumhe pasand nahi aaya. No, theek hai. Next time, I'll cook something which you like. No, it was nice. Really. Okay, good night. Chaya? Soi nahi abhi tak? It's late, bacha. Bas so rahi thi. Theek hai. Raman uncle and I are going to have a cup of coffee. Thodi der aur jaagenge. Acha, suno. Is it okay if he stays back tonight? Yeah, sure. Tumhe koi problem nahi hai? Nahi. Great. I'll tell him. Don't stay up late. Mama. Huh? Can I have his laptop, please? Maybe. Par unse poochna to padega na. Ask him. Raman uncle, can I have your laptop, please? Yeah, why not? The password is Khanna Raman 12. मॉम एक बार भी मुझे देखने नहीं आई. वो तो ऐसा कभी नहीं करती थी. She has changed so much. Thank you.
छाया 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 बचा उठ फिर यहां सो गई कमान कमान गेट अप जाओ अपने कमरे में जाके सो अच्छा सॉरी मुझे लगा आप दोनों को बेडरूम की जरूरत होगी छाया क्या हुआ है बोलो क्या बात है मेरा और रमन अंकल का मॉम प्लीज एटलीस्ट जो थोड़ा वक्त होया नहीं है उनकी बात मत करो फॉरगेट इट छाया रुक जा दो मिनट मुझसे बात तो कर ले ठीक है आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी आई एम सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया आई जस्ट मिस यू माला वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर हर रिलेशनशिप विद रमन They were spending more time together ताकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सके पर छाया को लगने लगा था कि रमन उसकी मॉम को उससे दूर कर रहा है There were times when she felt lonely and left out, which is what made her believe कि रमन को एक्सेप्ट करने का डिसीजन शायद गलत था And now she wanted to do something about it. ये देख क्या हुआ कैसे पकड़ा वो इडियट ना कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता अपने आप को अपने आप को अपने एफबी से लॉग आउट करना ही भूल गया वो आई डोंट हैव अनदर ऑप्शन यू नो आई हैव टू बी ओके छाया मैं तभी तुझे उस रमन के बारे में बोल रही थी You know what, Ritika? You were right about Raman. I'm just so sick of that guy. ऐसा लग रहा है मेरे घर पे कोई मूवी चल रही है जिसमें रमन है और मेरी मॉम है सारे दिन मॉम रमन ये रमन वो Where am I? You're so ignored. This is pretty frustrating. Aya, get rid of that man. Now, it's high time. और उसकी बात का प्लान हम देख लेंगे कहा था ना पासवर्ड सेम रहेगा अभी उसको रिप्लाई कर अपने फोन से Now the last step, clear chat history. And it's done. Hey, kidhar hai yaar wo? Kya plan hai? Tune usko bataya bhi ki nahi hum log kahan? Kitni baar bataun? Maine use bola ki hum log bahar party ke liye gaye the and we are too much to drink. And main nahi chahti mom ko pata chale, so please come and pick us up. Mujhe lagta hai na, wo plan ka sab pata chal gaya. That's what I feel. I hope not. Tension mat dena. I'm already very tense, okay? अरे छाया, what happened to you? अंकल उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है. Oh my God. छाया. आओ बैठ जाओ तुम. Are you all right? Careful. Sit. Go sit.
आराम से। अंकल मैं पानी लेके आती हूँ। इजी इजी, यहाँ पर बैठ जाओ। इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए तुम्हें। रमन, I really like you. What are you saying, Chaya? I really do like you. क्या कह रही हो तुम? What are you saying? रमन, I really like you. Don't touch me. I'm your mom's friend. Don't you like me? No. I'm just out here to help you. Stay away from me. Dude, ये क्या हो गया? पूरा प्लान खराब हो गया छाया। Now what? अगर उसने मॉम को बोल दिया तो I'll be screwed. छाया ये कैसे हो गया यार? This was all your plan. Okay, fine. Let me think about something. But oh God, कुछ तो करना पड़ेगा. Okay, let me think. आंटी, वो रमन अंकल हम लोग को क्लबिंग लेके गए थे। What do you mean, रमन? छाया क्या बोल रही है तुम? तुम मुझसे पूछे बिना गई कैसे? Why didn't you tell me? आंटी, छाया ने थोड़ी ज्यादा पी ली तो अंकल ने हम लोग को यहाँ ड्रॉप किया और आंटी उसमें छाया की कोई गलती नहीं है। आप खुद मैसेजेस पढ़िए। रमन अंकल हमें बहुत फोर्स किया है, पिछले 3 दिन से चैट कर रहे हैं। I'm sorry, mom. I trusted him. I'm so sorry. Raman, मुझे तुमसे इसी वक्त मिलना है। तुम छाया के पास ही जी आ। Now what? अंकल कभी यहाँ नहीं आएंगे। I'm really sorry, छाया। ये सब मेरी वजह से हुआ। Mama.
रितिका बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी सेल्फिशनेस में रियलाइज ही नहीं किया कि मैं मॉम को कितना हर्ट कर रही हूँ। मुझसे बात नहीं करती, ठीक से खाती नहीं, सोती नहीं। एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं ये नहीं करना चाहती थी। लुक छाया, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ओके? अगर हम लोग कुछ करना होगा तो वो है सच बोलना। कैन यू टेल द ट्रूथ? क्या तू सच बोल पाएगी? नहीं, राइट? जस्ट गिव इट सम टाइम, लाइक रिलैक्स यार, आई मीन सब ठीक हो जाएगा। लेट मी नो बैक। थोड़ा वक्त दे, ओके? टिल आई गॉट टू गो, आई विल सी यू इन द इवनिंग, ओके? बाय। Mom, can I talk to you? Mom, उस दिन वो messages रमन अंकल ने नहीं भेजे थे, मैंने भेजे थे। उस दिन घर पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो मुझे छुआ भी नहीं। It was all my fault. He was innocent. I know. Raman, please try and understand. Raman, मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर और कुछ नहीं है, हमारी खुशी भी नहीं। Look, I can't do this to her. मुझे नहीं लगता अब हमें और मिलना चाहिए। मुझे शुरू से ही पता था, but I knew कि तुम यही चाहती हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना सब कुछ कर लोगी, बट यू डिड इट। उसके बाद मैं समझ गई कि तुम ये रिश्ते को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगी। गलती तुम्हारी नहीं है छाया, गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी, मुझे इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। आई एम सो सॉरी मॉम। नहीं बच्चा, आई एम सॉरी, जस्ट नो वन थिंग। इस पूरी दुनिया में तुम्हारी मां के लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई है ही नहीं। आई लव यू, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कोई नहीं है। यू डोंट नीड टू फील इनसिक्योर। मम्मा लव्स यू अनकंडीशनली। छाया ने बचपने में एक सेल्फिश मोटिव के लिए इतनी बड़ी गलती कर दी, विच शी रिग्रेटेड लेटर। शी वाज लकी कि उसकी इस गलती के बाद भी माला और रमन ने उसे माफ कर दिया। आफ्टर ऑल माला वाज अ मॉम और उसने जो कुछ भी किया था वो अपनी मॉम की अटेंशन के लिए किया। बट रिमेंबर गाइस, लाइफ में हर बार अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। सो थिंक ट्वाइस बिफोर यू टेक अ स्टेप दैट कैन रुइन समबडीज लाइफ और योर ओन।